बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और बेहतरीन किस्म की चिकन कचौरी की रेसिपी लाई हूँ, जो आप बड़े आराम से अपने घर में बना सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट किस्म की मेजरमेंट के साथ आपको दूंगी और बेहतरीन तरीके से आपको गाइड करूंगी कैसे आप बेकरी से भी ज़्यादा बेहतरीन और मज़ेदार किस्म की कचौरियाँ अपने घर में बना सकते हैं। बहुत परफेक्ट किस्म की रेसिपी है, जो आप इसको बना के, बहुत सारा भी बना के इसको फ्रीज़र में आप फ्रीज़ कर सकते हैं। उसका तरीका भी आपको बताऊँगी। बहुत ही बेहतरीन किस्म की है, इतने लेयर्स होंगे इसमें कि आप देख के आपको मज़ा आ जाएगा और टेस्ट वाइज बहुत ही बेहतरीन है। तो ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। कचौरियों का सबसे पहले हम डो बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदे से मैं बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा कचौरियाँ बनाना चाहते हैं, कम बनाना चाहते हैं, तो इसी क्वान्टिटी के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, और इसके साथ मैं घी डाल रही हूँ। नीम गरम घी है, 3 टेबलस्पून ये हम डालेंगे। घी ही लेना है, घी से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। तो ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। इतना अच्छा मिक्स करेंगे कि घी जो है वो मैदे के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए और आपका आटा बिल्कुल भुरभुरा सा हो जाए। तो आपने इसे बेहतरीन तरीके से मिक्स करना, ये ज़रूरी है। ये देखें, इसको मैं मिक्स करती रही। आप देखें, इसको अगर मैं मुट्ठी में इस तरह दबाऊँ तो ये डेली सी बन जाएगी, और इसे दोबारा से यूँ करूँ तो बिल्कुल फिर से वही भुरभुरा आटा बन जाएगा। 1 कप पानी लिया है, नलके का नॉर्मल पानी है। इसे मैं गूंदूंगी और मैं आपको बताऊंगी तकरीबन कितना पानी मैंने इसमें यूज़ किया है। तो बेहतरीन सा आटा गूंदेंगे, ना ज़्यादा हमें आटा नरम चाहिए है, ना बहुत सख्त चाहिए। नॉर्मल सा आटा आपने गूंदना है। अच्छा, इसे अच्छा सा मैंने देखें गूंद लिया है। तकरीबन 10 मिनट मैं इसके साथ लगी रही हूँ, बेहतरीन सा गूंद गया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, हल्का सा ऑयल हाथ में लूँगी, ऑयल या घी से ऊपर से ग्रीस करूँगी और उसका ढकना ढकूँगी, और इसको मैं रेस्ट दूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए, ताकि बेहतरीन सा हमारा डो सेट हो जाए। और पानी देखें, मैंने 1 कप लिया था, जिसमें से तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी बच गया है। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, लई तैयार कर रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, कॉर्नफ्लावर लिया 3 टेबलस्पून, 3 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर लिया। इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर। उसके बाद इसमें हम घी डालेंगे। घी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, मेल्टेड घी है। दानेदार घी लेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये देखें, ये दानेदार हल्का सा मैंने छोड़ दिया था ताकि आपको दिखा सकूं, ये नीम गरम है, ठीक है। इसको डालने के बाद इसे अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे, तो हमारा ये बेहतरीन सा लई तैयार हो जाएगा, जो हमने जब कचौरियाँ बनाएंगे तो उसमें इसको यूज़ करेंगे, और हमारी कचौरियाँ इसी से बहुत उसके ज़बरदस्त किस्म के लेयर बन जाएंगे। देखें, इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए, बेहतरीन सा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको फ्रिज में रखूँगी 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम कचौरियों के लिए फिलिंग बना रहे हैं, चिकन फिलिंग हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, ऑयल डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर मैं प्याज डाल रही हूँ, चॉप किया हुआ प्याज है, 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेके इसको मैंने अच्छा सा चॉप कर दिया था, जैसे हम ऑमलेट के लिए करते हैं उस तरह, और इसको डाल दिए। डालने के बाद इसको मीडियम आंच पर बस हम लोग इतनी देर पकाएंगे कि हमारा जो प्याज है वो हल्का सा नरम हो जाए, हमें इसमें कलर नहीं चाहिए। उसके बाद इसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ, लहसुन 1 टीस्पून है, 1 चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी और थोड़ी देर के लिए प्याज के साथ इसको अच्छा सा भून लूँगी। मीडियम आँच पर है चूल्हा इस वक्त, तो इसका देखें तकरीबन मैंने 30 से 40 सेकंड के लिए इसको अच्छा सा भून लिया है। इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसमें चिकन डाल रही हूँ, 1.5 कप है, 1.5 कप है। सिंपल चिकन लेके मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाल के इसे बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद इस तरह के मैंने रेशे रेशे से बना दिए हैं। मैंने डाला है 1.5 कप, आप चाहें तो 1 कप में भी बना सकते हैं। उसके बाद इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट डाल रहे हैं, 2 टेबलस्पून, 5 से 6 हरी मिर्चें लेके उसका अच्छा सा मैंने पेस्ट बना दिया है। इसको पीस के ये डाल देंगे। हरी मिर्चें मेरे पास जो थी वो तेज़ थी, फीकी वाली थी। अगर आपके पास फीकी वाली हो तो आप हरी मिर्चों को चॉप करके अलग से वो भी डाल सकते हैं। तो ये डालने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसमें मैं दूध डाल रही हूँ, दूध 1/4 कप
दूध है। दूध डालने के बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। दूध डालने से इसमें बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेस्ट आएगा और ये चिकन जो है बहुत ही, इसकी फीलिंग बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो इस तरह हैं, नमक हाफ टी स्पून, कुटी हुई काली मिर्च हाफ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा हाफ टी स्पून, चाइनीज सॉल्ट जो है वो भी हम इसमें हाफ टी स्पून डालेंगे। ये वो मसाले हैं जो इसमें डालने हैं, इससे ज़्यादा कोई मसाला इसमें नहीं डाला जाता है। और जिन लोगों को स्पाइसी ज़्यादा पसंद है और जो हरी मिर्चें उनके पास है वो भी फीकी हैं तो आप वाइट पेपर डाल सकते हैं, सफ़ेद मिर्चें जो है हाफ़ टी स्पून से वन टी स्पून तक डाल सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो कुटे हुए मिर्चों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाफ़ टी स्पून। अच्छा, इसको अच्छा सा हमने मीडियम आंच पे इस तरह देखें पका दिया। अब बिल्कुल इसमें पानी ख़त्म हो गया, मॉइस्चर ख़त्म हो गया, हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए चिकन। तो अब हमारा ये चिकन रेडी है, इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो आधे घंटे के रेस्ट के बाद अब हमारा डो जो है वो रेडी हो चुका है। डो को आप जितना रेस्ट देते हैं ना, स्पेशली जो मैदा होता है उसको, मैदे का आपने डो बनाया, बस जितना आप इसको रेस्ट देंगे ना उतना ही आपका डो बेहतरीन सा और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा और उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखें, इसको मैं हल्का सा इस तरह फैला दूँगी और फैला के इसके पेड़े बना दूँगी। तो पेड़े आपने छोटे छोटे से बनाने हैं क्योंकि कचौरियों में जब हम फिलिंग डालेंगे तो वो बड़े साइज़ में हो जाते हैं। तो अब देखें, इसको मैंने इस तरह कर दिया है, मैंने कोई खुशके का या ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। देखें कितना बेहतरीन है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है हमारा आटा। इस साइज़ का हमारा पेड़ा होगा, अगर कमर्शियली आपको मैं बताऊं तो कमर्शियली 60 ग्राम का पेड़ा बनता है। अगर आप कमर्शियली बनाना चाहते हैं तो आप 60 ग्राम का पेड़ा बनाएंगे नाप के। तो ये देखिए, हमने इस तरह के छोटे छोटे पेड़े बना दिए। तो 2 कप मैदे से इस साइज़ में 7 पेड़े बने हैं कचौरियों के लिए। अब क्या करेंगे, इसको मैं ढकूंगी, किसी शॉप पर रैपिंग बैग किसी चीज़ से भी अच्छा सा आप ढकेंगे ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे, और 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए, मैंने ये लई भी निकाल दी है फ्रिज से, जो तकरीबन आधा घंटा फ्रिज में पड़ा रहा है, बेहतरीन सा ये सेट हो चुका है। इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे तो हमारी ये लई रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये बेहतरीन किस्म की लई से हमारी कचौरियों में लेयर्स भी बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, और आप देखें ये बिल्कुल शॉर्टलिंग की तरह हो जाएगा, बिल्कुल उसी टाइप का है। बेकरी वाले जो है ना अक्सर शॉर्टलिंग के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकर खानी और बहुत सारी रेसिपीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेड़े लेंगे और इसको फैला देंगे। जितनी भी पतली और बड़ी रोटी फैला सकते हैं आप इसे फैलाएं। ये देखें मैंने फैला दिया है। उसके बाद हम ये लई लेंगे, हाफ टी स्पून लई लेंगे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बस लेके इसके ऊपर लगाना है, इक्वली लगाना है हर जगह पर। आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको फैला देना है, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें मैं उंगली के साथ कर रही हूँ ताकि अच्छा सा इक्वली लगाऊं और कोई जगह लई से बचे नहीं। और अगर आपसे लई पतली हो जाती है तो कोई इशू नहीं, आप उसी को आराम से लगा सकते हैं, बस आपने तरीके से लगाना होगा। लेकिन अगर जिस तरह की मेजरमेंट आपको मैंने बताई है आप उसी तरह करेंगे तो बेहतरीन बनेगा। उसके बाद देखें फैला दिया, और उंगली पर जो मैं थोड़ी बहुत लई लगी थी वो भी मैंने इस पर लगा दिया। और उसके बाद दोबारा इसको इस तरह फोल्ड किया, उसके बाद हल्का सा खींचा और इस तरह डबल फोल्ड। ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा चकोर सा पेड़ा बन गया है कचौरी का। इसी तरह हमने ये सारे बनाने हैं, और ये ख्याल रखना है कि आपने ऊपर शॉपर वगैरह ज़रूर रखना है ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। तो ये लास्ट वाला कर रही हूँ, देखें इसी तरह इक्वली है, मैंने लई लगा दी हाफ टी स्पून और इसको इस तरह ज़बरदस्त किस्म का हमारा पेड़ा तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, जो सबसे पहला हमने पेड़ा लिया था उसको लेंगे और इस लास्ट वाले को रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमने इसको दोबारा से इस तरह फोल्ड करना है ताकि लेयर्स जो है कचौरियों में अच्छा बने। अब मेरे पास ये लई बची हुई है, आप चाहें तो इसको दोबारा से इस पे लगा के इस तरह बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लगाएं ठीक है, नहीं लगाएं तब भी कोई इशू नहीं है, एक दफ़ा लगाएं तब भी काफ़ी होता है। तो मेरे पास बचा हुआ था, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, सिर्फ एक पे ही मैं लगा रही हूँ। देखें उसी तरह लगा के थोड़ी सी लई लगाई और इसी तरह पहले की तरह पेड़ा बना दिया। तो ये मैंने सिर्फ एक पे लगाया, बाकियों पे मैं नहीं लगा रही हूँ, बाकियों मैंने लई साइड पे कर दिया है। और ये देखें बगैर लई के भी आप इस तरह बस फैलाएं, फैलाने के बाद इस तरह फोल्ड कर लें जैसे पहले आपने पेड़ा बनाया था। तो डबल लेयर्स बन जाएंगी, ये बेहतरीन सा रेडी हो गया। अब हम इसको 10 मिनट मज़ीद इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे ये पेड़े बिल्कुल बेहतरीन से रेडी हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पेड़े बने, हाथ लगाएं तो मज़ा आ रहा है। देखें बेहतरीन किस्म का बना हुआ है, सॉफ्ट और ज़बरदस्त, बस हाथ से फैलाना है, हाथ से फैलाएं।
बेलन के साथ फैलाना चाहें तो फैला सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बेलन से करने की। बस साइडों से बिल्कुल पतला पतला कर दें, सेंटर से थोड़ा सा अगर आप मोटा रखेंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद जो ये फिलिंग है हम इसमें डाल देंगे चिकन की, फिलिंग ठंडी होनी चाहिए, ठंडा करके आपने डालना है। उसके बाद ये देखें इस तरह किनारे लें, हल्का सा खींचें और इसके ऊपर इस तरह रखें और इसको दबा दें इस तरह। ये देखें ये चिकन को बिल्कुल अंदर करके ये ज़बरदस्त किस्म ये चार कोने बन गए। इन चारों कोनों को भी लेके हल्का सा खींचें और इस तरह से फोल्ड करते जाएं और ये अंगूठे की मदद से इसको हल्का सा दबाएं। ये आपका बेहतरीन सा कचौरियों का बहुत ही आसान सा पेड़ा बन गया है, बहुत कम मेहनत से, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें तो ये आप साइज़ देख लें, जिसमें कचौरी के अंदर मैंने चिकन डाला और जिसमें नहीं डाला कितना फ़र्क आ गया है। तो इसी हिसाब से आपने बनाना है, सारे इसी तरह बनाएंगे। लास्ट वाला मैं आपको सामने दोबारा बना रही हूँ, चिकन मेरा बच गया है, डेढ़ कप मैंने लिया था, अगर आप एक कप लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ये साथ आपके कचौरियाँ बन जाएंगी। तो ये देखें इसी तरह बस डालेंगे और इसको हल्का हल्का सा इस तरह फोल्ड करेंगे किनारों को पकड़ के। अब ये चार कोने बन गए तो इनको भी हल्का सा खींच के इस तरह फोल्ड करेंगे। ज़्यादा आपने नहीं खींचना, ज़्यादा खींचेंगे तो ये नीचे से देखें यहाँ से फट भी सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सेंटर से हल्का सा साइडों के निस्बत मोटा रखा था। उसके बाद ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया ये गोल सा पेड़ा हमारा कचौरी का, अब बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। और जो लोग फ्रीज करना चाहते हैं ज़्यादा सारा बना के, तो उनके लिए कि आप ये कचौरियाँ देखें बिल्कुल रेडी हो गई, इसके बाद आप इसको हाथ में लें हथेली में और इसको दबा दें, जितना आप बड़ा करना चाहते हैं ना उतना बड़ा कर लें। उसके बाद आप क्या करें, एक एयरटाइट बॉक्स लें और उसके अंदर इन कचौरियों को रखें, अगर ज़्यादा है तो लेयर्स लगा लें लेकिन बीच में शॉपर रखें ताकि चिपके नहीं। फ्रीज़र में फ्रीज कर लें, अगर बॉक्स में रखना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो अगर आप ज़िपलॉक बैग में रखना चाहें तो जब फ्रीज़ हो जाएं तो आप ज़िपलॉक बैग में रखें और 1.5 से 2 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे निकालें और फ्राई करें। लो आंच पर मैंने ऑयल चढ़ा दिया था कढ़ाई में, देखें टेम्परेचर कितना इसका गर्म होना चाहिए। देखें मैं उंगली अंदर डाल रही हूँ, मेरी उंगली इसके तपिश को बर्दाश्त कर सक रही है ऑयल को। अगर मैं आपको टेम्परेचर बताऊँ तो 80 सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर होना चाहिए। कचौरियों को लें हथेली से दबाएं और इसके अंदर ड्रॉप कर दें, कचौरियाँ नीचे बैठ जाएंगी आपकी। और इसी तरह आपने इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करना है बिल्कुल लो आंच पर, जब तक के आपकी कचौरियाँ ऊपर तैरने लग जाएं। ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ आप उसी तरह फॉलो करेंगी तो आपकी कचौरियाँ बेहतरीन बनेंगी। तो ये देखें 4 मिनट बाद अब कचौरियाँ ऊपर तैरना शुरू हो गई हैं। तो अब मैं आँच बिल्कुल लो से थोड़ा सा तेज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँगी और 10 मिनट और फ्राई करूँगी। तो देखें 10 मिनट में बेहतरीन से हमारी कचौरियाँ फूल गई हैं, अब देखें कितना बेहतरीन फूल गई हैं और नीचे से कलर आ गए हैं। तो कलर आने के बाद आपने इसको पलटना है और जब तक के नीचे वाली साइड पे कलर नहीं आता आपने फ्राई करना है, तो 4 से 5 मिनट मज़ीद लगेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी कचौरियाँ फूल जाएंगी और इसमें बेहतरीन से लेयर्स बनेंगे। तो आपने जैसे मैंने फ्राई का तरीका बताया वैसे ही फ्राई करेंगे तो आपके परफेक्ट किस्म की कचौरियाँ बन जाएंगी। तो 5 मिनट मज़ीद मैंने इसे फ्राई किया, अब बेहतरीन सा हर तरफ से कलर आ चुका है, कचौरी बेहतरीन से रेडी हो चुकी है, कितना ज़बरदस्त फूल चुका है आप देख सकते हैं। तो इसे हम निकाल देंगे और इसी तरह बाकी कचौरियों को भी इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल लो आँच पर फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट जब ऊपर आ जाएँ तो आपने फिर आँच थोड़ा सा तेज़ करके मज़ीद फ्राई करना है। तो ये मैंने सारी कचौरियाँ फ्राई कर दी हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और कितने फूले हुए हैं ये कचौरियाँ। अगर आप मज़ीद दबा के बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने बस इतना ही रखा है जैसे मुझे अच्छा लगता था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें कितनी कचौरियाँ फूली हुई हैं और कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया हुआ है, और इसके क्रिस्पनेस चेक करें और इसके लेयर्स चेक करें। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है, ये देखें बहुत ही लाजवाब किस्म का बना हुआ है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें क्या बेहतरीन किस्म की फूली हुई हैं और इसके लेयर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें ऊपर कितने ज़बरदस्त किस्म की गोल्डन किस्म का बना हुआ है, इसको मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ अंदर से भी, लेकिन बहुत ही लाजवाब बना हुआ, जो बाज़ार का बना हुआ था ना उससे कई गुना बेहतरीन बना हुआ है और हेल्दी है। हमें पता है हमने क्या क्या यूज़ किया और कैसे यूज़ किया है, तो बेहतरीन है, बाज़ार का हमें नहीं पता होता है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके घर में बनाएंगे तो ज़बरदस्त किस्म का बनेगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रहा है, लेयर्स आप चेक करें और मेरे हाथ पे चेक करें, देखें कितना इसका क्रस्ट गिर रहा है नीचे, कितनी क्रिस्पी है बनाया हुआ, ये देखें क्या लाजवाब किस्म का। ये देखें बाज़ार के जो
कचौरियाँ होती हैं ना, उससे कई गुना बेहतरीन बनी हुई। लेयर्स आप सिर्फ चेक करें कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं। सिर्फ हाफ टी स्पून मैंने लई डाली थी और आप देखें क्या लाजवाब बना हुआ है। एक इसका पेड़ा बनाने का तरीका, दूसरा इसका फ्राई करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़बरदस्त किस्म की कचौरी बनेंगी, टेस्ट वाइज बहुत मज़ेदार है। इसका डो बहुत लाजवाब बना हुआ है, मुंह में क्रिस्पी मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब। और जो इसका फिलिंग है चिकन की वो तो बस बहुत ही लजीज किस्म का बना हुआ। मीट मसाला परफेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। बस खाओ तो हाथ रोकना बहुत ही मुश्किल है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाला है। चाहे रमज़ान हो, चाहे चाय का टाइम हो, स्नैक टाइम हो, या वैसे ही कुछ चटपटा और फ्राई खाने को दिल चाहे तो खा सकते हैं। फ्रीज़र करने का तरीका भी मैंने आपको बताया, बहुत सारा बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।